हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज फंक्शन जी? तो यहाँ पे देखिए, मैंने डेफिनेशंस लिखा हुआ है और उसके पार्ट लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता जाऊँगा एक एक करके। तो फंक्शंस देखिए, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, जो फंक्शन होता है हमारे सी प्रोग्राम में, वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ आपको मेन फंक्शन के, मेन फंक्शन क्या होता है सी प्रोग्राम में। वो हमारा वहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है वो सब फंक्शंस का सुपरसेट होता है। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं। तो उस मेन फंक्शन के अंदर ही आपके सारे फंक्शन कॉल किए जाते हैं। सारे फंक्शन आपके जो है वहीं पे आपके जो है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें कुछ कोई और फंक्शन बनाना जी, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जी, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक टू जनरेट अ प्रोग्राम। देखिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो वो बिना फंक्शन के कम्प्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें फंक्शंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना फंक्शन के, जैसे हम लोग कोई एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन यूज़ होता है, वो कौन सा होता है? मेन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, जिनका हम लोग अभी यूज़ सीखेंगे। तो फंक्शन, वाई वी यूज़ फंक्शन, फंक्शन का क्या काम होता है, क्यों हम फंक्शन को यूज़ करते हैं? ठीक है जी, तो फंक्शन आर यूज बिकॉज ऑफ, देखिए लिखा हुआ है, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड जी। कोड जो हमारा होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो बेटर हो। ठीक है, उसकी जो कोडिंग हो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को हम कोडिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत लंबा ले जाके करें, नहीं, लंबा नहीं, हम उसको बहुत ही प्रिसाइसली, जितना आप प्रिसाइसली कोडिंग करेंगे आपकी जो कोडिंग स्किल्स होगी वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो इम्पैक्ट होगा वो आपका उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इम्प्रूव करना रिडेबिलिटी कोड ऑफ, फॉर इम्प्रूविंग द रिडेबिलिटी ऑफ कोड। उसके बाद आता है इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। देखिए, इसका मतलब होता है कि सपोज हमको कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, या फिर हम कुछ स्टेटमेंट परफॉर्म कराना चाहते हैं किसी एक फंक्शन से। ठीक है, तो सपोज हमको वही जो स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है किसी फंक्शन में, जो मैंने डिस्क्राइब करूँगा, मुझे वो 10 times परफॉर्म कराना है। तो सपोज जो मैंने एक फंक्शन बनाया है, वो मैंने, जैसे मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, मैं एक परफॉर्म कुछ कराना चाहता हूँ एक चीज़ को 10 times, तो मैं क्या करूँगा, उस सोर्स कोड को मैं या तो 10 times लिखूँगा, ठीक है, 10 times लिखूँगा तब वो परफॉर्म होगा, या फिर मैं एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, और उसके अंदर उस स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार लिखूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा कि मेन फंक्शन में जाके मुझे जितनी बार भी उस स्टेटमेंट को परफॉर्म कराना है मैं उतनी बार उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रीयूज़ से, हम इम्प्रूव हो गया ना हमारा, जो हम बार बार जो हम उसका रीयूज़ कर रहे थे वो तो नहीं हुआ ना, जो यूज़ कर रहे थे वो तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर क्या है, थर्ड, रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। जैसे मैंने बताया कि जब आप उसको 10 times उस स्टेटमेंट को लिखते हैं अपने कोड में तो क्या हो जाता है, वो कोड आपका बहुत लेंथी हो जाता है, और ये अच्छे प्रोग्रामर की ये जो है एक क्या बोलते हैं स्किल्स होनी चाहिए कि प्रोग्राम जितना प्रिसाइसली हो, जितना जितना शॉर्ट हो वो उतना ही बेटर होता है। ठीक है, एंड डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द फंक्शन कॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस स्टेटमेंट को हम लोग बार बार ना लिख करके, उसको डुप्लीकेट ना करके, हम वहाँ पे उसकी जगह पे फंक्शन कॉल लिख देते हैं। जो भी हमारा फंक्शंस के अंदर होगा वो फंक्शन कॉल के थ्रू रिपीट हो जाएगा सारा स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि फंक्शंस के टाइप कितने हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन जी। देखिए, बेसिकली यहाँ पे 4 types के होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो सी हो, C++ हो, किसी भी लैंग्वेज में हो जी। पहला, नो आर्गुमेंट। देखिए, आर्गुमेंट क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन में जो भी वैल्यू दी जाती है, लाइक अ इनपुट, ओके, यू कैन से आर्गुमेंट एज अ इनपुट जी। तो जो भी आप उसको इनपुट देते हैं इन द फंक्शन, ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन, तो वो आपका आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है, इनपुट कहलाता है। तो नो आर्गुमेंट, हम कुछ हम चाहे तो एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम कोई भी इनपुट ना दें, कोई भी डेटा ना दें जी,
एंड नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप दो होते हैं आपको पता होना चाहिए, इंटेजर सॉरी कोई भी रिटर्न टाइप ले सकते हैं आप, या फिर वर्ड ले सकते हैं, और कोई भी मी आ जाएगा, आप इंट ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, कैर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, ठीक है जी, ये हो जाएगा। फिर सेकंड आ जाता है विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं कि जिसमें आर्गुमेंट तो हो लेकिन रिटर्न टाइप कुछ नॉर्मल हो, यानी कि वर्ड हो, ठीक है। फिर थर्ड आता है विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, जी जिसमें आप आर्गुमेंट भी लेना चाहते हैं, मतलब कुछ इनपुट भी लेना चाहते हैं आप ड्यूरिंग ड्यूरिंग फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, एंड आप कुछ रिटर्न टाइप भी करना चाहते हैं, कुछ भी आप इंट टाइप, इंट कैर फ्लोट डबल कुछ भी करा सकते हैं। एंड लास्ट वन होता है हमारा नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। ओके तो ये था हमारा फंक्शन की कुछ जनरल नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे एक सिंपल सा फंक्शन बताऊंगा जो नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप का होगा। तो देखिए आप कैसे फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जी मैं आप पे टर्बो ओपन कर लेता हूँ। जी तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल होंगी दो, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ओके नाउ अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक मेन पार्ट हो जाता है यहाँ पे क्या, जो कि हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, वॉइड, क्योंकि मेरा क्या था रिटर्न टाइप क्या था, नल, नो रिटर्न टाइप था ना, तो वॉइड मतलब नल होता है, ठीक है। एंड सपोज आई एम मेकिंग अ फंक्शन नेम मैसेज, ओके आप कोई भी फंक्शन, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ये हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप फंक्शन का नेम क्रिएट करते समय कि वो फंक्शन का जो नेम होना चाहिए वो कोई कीवर्ड ना होना चाहिए, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं सी में वो नहीं होने चाहिए, और वो हमेशा स्मॉल केस लेटर में होने चाहिए, और इनके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। आप बीच में अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है फंक्शन डिक्लेरेशन। नाउ अगेन एम स्टार्टिंग प्रोग्राम विथ वॉइड मेन, ये हमारा मेन प्रोग्राम है, जैसे मैंने मेन फंक्शन है, इसके बिना तो सी प्रोग्राम कुछ नहीं है, बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम जो है, सॉरी इसको मैं ये था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। जी ये मेरा मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन कॉल करना रहता है। जी फंक्शन कॉल क्या होता है ये समझ लीजिए आप, फंक्शन कॉल। जी देखिए जब आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, वॉइड मेन के अंदर जाना है, ठीक है। आपको जब भी आपको लगता है कि मुझे इस पार्टिकुलर मैसेज फंक्शन के अंदर जो भी टास्क मुझे परफॉर्म कराना है, तो क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, उस मैसेज को, उस फंक्शन को कॉल करना है। देखिए कैसे करते हैं उस फंक्शन को कॉल, ये देखिए ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ना मैं पहले क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, clrscr। जी ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉल किया है, अब मैं इसका भी दुखी बताऊंगा आपको कैसे क्या सिस्टम होता है। जी अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मैं क्या गेट सीएच कर लेता हूँ। जी ये मेरा वर्ड मेन के अंदर जो भी स्टेटमेंट था वो हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि वर्ड मेन चेक करेगा, ठीक है, वर्ड मेन के अंदर जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट है वो आएगा, फिर मैसेज पे जाएगा, ठीक है, मैसेज फंक्शन। फिर जो ये एग्जीक्यूशन है वो जब जैसे ही मैसेज पे जाएगा तो जो हमारा मेन पार्ट है वो स्लीप हो जाएगा, ठीक है, वो 2 मिनट के लिए, कुछ सेकेंड के लिए पॉज हो जाएगा, तब तक पॉज हो जाएगा जब तक कि हमारे मैसेज फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 पार्ट होता है, सबसे पहले होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड लास्ट फंक्शन डेफिनेशन। नाउ वॉइड मैसेज, जी ये फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी
सॉरी कर लेते, सस लगेगा, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन जिम। ये हमारा क्या है, हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। अब इसका क्या यूज होता है, देखिए फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन से जो भी टास्क कराना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम रन कराना चाहते हैं, ठीक है, वो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे। जितना भी कोड होगा हमारा सब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगा। तो आप सपोज यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एफ सभी कॉलन लगा दीजिए, डबल कोट के अंदर लिख दीजिए आई एम फंक्शन मैसेज, ओके जी, स्लैशन लगा दीजिए फॉर नेक्स्ट जी। देखिए ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, ठीक है, मैं इसको कंपाइल कराऊंगा। आपने सबसे पहले एक बार फिर और समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैं गेट सी एच फिल लगा देता हूँ, गेट सी एच नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो लगा दूंगा। देखिए सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, जिसको प्रोग्राम टाइप डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फिर हम मेन के अंदर जब हमको ज़रूरत होती है उस फंक्शन की, जब हम उस स्पेसिफिक टास्क को जब परफॉर्म कराना चाहते हैं, तब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड लास्ट में उस फंक्शन का डेफिनेशन, जो भी हमको स्टेटमेंट लिखना होता है वो हम उस फंक्शन को डिफाइन करके उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। अब मैं कंपाइल कराता हूँ उसको, जी कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, रन कराता हूँ मैं, ये देखिए आई एम ए फंक्शन मैसेज, ओके। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। देखिए अब सपोज मैंने वहाँ पे लिखा था कि क्या करता है, जब हमको सपोज हमको 10 टाइम्स चाहिए है कि कोई हमको आउटपुट 10 टाइम्स चाहिए, जब मानिए आप कि हमको आई एम ए फंक्शन मैसेज मुझे 10 टाइम्स प्रिंट हुआ चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी, या तो फिर इसको हम 10 बार लिखेंगे, ठीक है, या फिर सपोज मेरे को 3 टाइम्स चाहिए है, तो या तो इसको मैं 3 बार लिखूँ। सपोज यहाँ पे तो ये छोटा प्रिंट ऑफ फंक्शन एक छोटा सा फंक्शन होता है, ठीक है, आप कुछ भी कुछ बहुत बड़ा जब कोई कोड लिखेंगे, सपोज जब आप एक ऐप डेवलप करेंगे, ठीक है, तो क्या जब आप कोई गेम डेवलप करेंगे तो वहाँ पे किसी एक एक फंक्शन के अंदर बहुत बहुत लंबी लंबी कोडिंग होती हैं, तो आप उसको रिपीट तो नहीं कर सकते ना, तो आपने क्या करना है, बस जितनी बार आपको वो टास्क परफॉर्म कराना है आप उतनी बार उसको कॉल कर लीजिए। सपोज मुझे 3 बार ये प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 बार इसको मैं क्या करूँगा, 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, ये देखें आई एम ए फंक्शन मैसेज, ये 3 टाइम्स प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन का यूज, ये था हमारा नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट टाइप फंक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने कोड को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो है आप बार बार स्टेटमेंट को यूज ना करके सिर्फ एक बार फंक्शन जनरेट करके और फंक्शन कॉल करके आप अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और फिर इस तरीके से आप प्रिसाइसली प्रोग्राम आप जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा जो होगा वो मेरा होगा नो रिटर्न टाइप एंड जी नो रिटर्न टाइप एंड विथ आर्गुमेंट। तो तब तक के लिए गुड बाय, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, फंक्शंस आपको ये समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।